जाए रिलिया हेलो हेलो जोरदार तालियां मालिनी अवस्थी जी के लिए और उनके तमाम साथी कलाकारों के लिए। रस्म अदायगी है कि कम से कम पुष्प गुच्छ दिए जाएं, तो इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा बनारस की एक और बड़ी कलाकार रेवती साकलकर जी को, जो स्टेज पर आएं, साथ ही डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी को, जो सुबह बनारस की तरफ से एक स्मृति चिन्ह के तौर पर मालिनी जी को सम्मानित करें। और दो तीन ज़रूरी सूचनाएं इस बीच में मैं दे दूं। एक तो ये कि कल भी ये कार्यक्रम 6:30 बजे से शुरू होगा, जैसा मालिनी जी ने शुरू में बताया था। कल राजन साजन मिश्रा जी और उनकी अगली पीढ़ी के कलाकार होंगे रेवती साकलकर जी। मालिनी अवस्थी जी, डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी की तरफ से एक स्मृति चिन्ह, सुबह बनारस की तरफ से एक स्मृति चिन्ह। उनका तुम कर देना, मालिनी जी का। अरे करते हैं, कर हम बोल दे रहे हैं ना। पंडित धर्मनाथ मिश्रा जी के लिए तो दो ना, उनको लीजिए, दो उनको बुक कर दो ना, उनको ला दो। पंडित राम कुमार मिश्रा जी के लिए सब वही तो पहना दीजिए। हाँ हाँ, वही दे देना दोनों लोग। रोटरी क्लब की तरफ से भी सम्मान साथी कलाकारों का, मालिनी जी का और मालिनी जी के साथी कलाकारों का। हाँ हाँ, पंडित राम कुमार मिश्रा जी जो कि तबले पर थे, उसके अलावा राजेश जी जो ढोलक पर थे और बैंजो पर लक्ष्मण जी, सुबह बनारस के सारे लोगों की तरफ से एक बार सारे लोग स्टेज पर आ जाएं। और कल फिर आप लोग आएँ इस बात की उम्मीद है। और एक बार फिर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यानी पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों वेबसाइट पर इस कार्यक्रम को आप लाइव देख सकते हैं, raggiri.com पर, जो इस संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पंडित साजन मिश्र जी के सुपुत्र स्वरांश मिश्र जी, उसके बाद राजन जी के पुत्र रितेश रजनीश मिश्र, शास्त्रीय गायन का शास्त्रीय गायन होगा। और उसके बाद इसी मंच पर पद्म भूषण से सम्मानित बनारस की शान पंडित राजन साजन मिश्रा जी भी होंगे। तो एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक शाम कल भी इसी ऑडिटोरियम में, इसी सभागार में होगी। हमें आप सबका इंतज़ार होगा और आपके साथ एक एक आपके दोस्तों का भी इंतज़ार होगा, क्योंकि आज कुछ कुर्सियां खाली रह गई थीं, वो कल भरी होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है, ऐसी ज़रूरत भी है इस कार्यक्रम की। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो, और पूरी महा